आज पंजाब फ्रंटियर बीएसएफ के द्वारा मैराथन इवेंट का यहाँ पे आयोजन किया गया है अमृतसर में, कि अभी फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ किया गया, इसके बाद में 21 किलोमीटर का किया गया और यहाँ से 10 किलोमीटर का रन का फ्लैग ऑफ किया गया है। और इस मैराथन की जो थीम रखी है हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन, इसमें काफ़ी प्रयास किया गया कि हमारे सीमा प्रहरी द्वारा कि बॉर्डर के पॉपुलेशन को अच्छे से एंगेज करें, यूथ को इन्वॉल्व करें, और इवन यूथ के लिए नहीं है क्योंकि कैटेगरी में 40 एज के ऊपर वालों के लिए भी ये मैराथन रखी गई है एंड बिलो 40 के लिए भी रखी गई है। और इसके पूर्व में एक मार्च में हुई थी, और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक्रेडिट की गई है, तो उसको इसकी मान्यता भी मिली है। तो मैडम, यूथ के लिए क्या मैसेज है, जैसे पंजाब में थोड़ा चल रहा है कि ड्रग्स, तो यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखिए, यूथ हमारी धरोहर है और हमारा भविष्य भी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने यूथ को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, एक अच्छा माहौल दें कि वो एक अच्छे नागरिक बने और देश को जो है और आगे ले जा पाए। और पंजाब में ये एक समस्या है, परंतु स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जो है सिर्फ शारीरिक ही दक्षता नहीं आती है, मेंटल एजिलिटी, फिटनेस, इन सब में भी बहुत ध्यान दिया जाता है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं जो कि हर एक यूथ को एक सकारात्मक पहलू के साथ में आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगी। और यही हमारी ये मंशा है कि बच्चे जो हैं पंजाब के, ये सब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, सकारात्मक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और अच्छे नागरिक बने और एक देश की प्रगति में, पंजाब की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें।